भाई रे, तो हमारे घर का राशन ऐसे जला जला के खत्म कर देगी। आपने ये भागा है कि ये पड़ जाए। देखो इसको, देखो आज तू नया नहीं ना, पहले के व्लॉग में भी देखा होगा, बिल्कुल ऐसी लगती है नहाने के बाद भी, डिट्टो, कोई अंतर नहीं। और दूध गर्म हो रहा है, थोड़ी सी वेजीज लेकर आए हैं, ये ऐसी वेजीज मिली है आज, और ये तो किस्मत से मिल जाती है एक दो, वरना पता नहीं क्यों रखता ही नहीं इसको कोई। कैसा लकवा काट गया क्या? क्या हो गया इसको? बटर का पैकेट ला, इसको फ्रिज में रखूं। और मेरे चंक्स खत्म हो गए थे, मेरे चंक्स वो, और ये बच्चों का, ये तो जरूरी है इनके मेन्यू में, चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, बिस्किट। ये बिल्कुल नींदों में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और पता है क्या गाइस, मुझे लगता था कि मैं इतना आलसी हूँ कि मैं दिन में भी सोऊंगा, शाम को भी सोऊंगा और रात को सोने बैठूंगा, आराम से नींद आ जाएगी। रात को 4 बजे तक नींद ही नहीं आई है और ये तो पूरी रात नहीं सोई है। नहीं सोए, पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही, मतलब बॉडी ऐसी हो रही कि बहुत थकी हुई लेकिन नींद नहीं आ रही, पता नहीं। और मैं तो एक्सरसाइज वगैरह करके तो थक गया था, बॉडी ऐसी हो रही थी बस हिल नहीं सकता, लेकिन आंख ही बंद नहीं हो रही, पता नहीं। हाँ दिन में सोए थे ना, वो गलती कर दी। मैं तो आधे घंटे भी नहीं सोई दिन में, फिर भी नहीं सोई तुम, पता नहीं फिर भी नींद नहीं आई मुझे। निकलने वाला बंद है, बंद अभी भी निकल रहा है, देख वो बंद किया तूने, ये बंद करने से बंद नहीं होता, ये नहीं कैसा बुद्धू है यार, ऊपर से बंद करना था अभी निकल जाता इसके भरोसे, पता है मुझे, पहले भी किया है मैंने, कभी नहीं निकला, बड़ा तुम लोग ही निकालते हो। अभी अभी निकलने वाला था वो, मैंने बचा लिया, चुप रह। और गाइस यार देखो, ऐसी सूखी रूखी सब्जियां मिल रही हैं, ये भी बड़ी मुश्किल से ढूंढने से मिलती हैं, सिर्फ आलू टमाटर टिंडे मिलते हैं, ये ब्रोकली, बेबी कॉर्न, ये बहुत मुश्किल से मिलता है यहाँ पर, वैसे मिलता तो है लेकिन अभी के टाइम पे बहुत कम रख रहे हैं शॉप वाले, मेरे को 3-4 शॉप पे जाना पड़ता है, तब जाके एक से शिमला मिर्च लेता हूँ, एक से ब्रोकली लेता हूँ, एक से वो लेता हूँ। ओ यार पनीर तो मैं फिर लाना भूल गया, अभी मैं पता क्या, एक ब्रांड का पनीर लेकर आया था मैं जल्दीबाजी में, लोकल ब्रांड का पनीर ले आया था उठा के, कहाँ गया वो पनीर पता नहीं, नाम भी क्या था उसका, अजीब सा, बहुत ही बेकार पनीर था भाई का सब, मैंने बिना मतलब मीकुड़ी को बोल दिया कि सैंडविच खराब है उसका, लेकिन वो पनीर बेकार था, बहुत टेस्ट बहुत बेकार था उस पनीर का। थैंक यू अशितु ने मिले भाई, ये मेरा रख दे वापस रख, आप देख रही हो जिस सुबह भी मेरी एक बार आंख खुल गई उसके बाद नींद नहीं आ रही, मतलब ऐसे आधे घंटे की नींद आई थी जो आई थी सुबह, और उसके बाद उठी तो जैसे अपन सोते रहते ना कई बार 9 बजे तक 10 बजे तक, मैं उठ गई, अरे कब आएगी नींद, कब आएगी नींद। हमारी गेस्ट ये कल आ गई थी लेकिन हम निकालना ही भूल गए, वहीं रखी हुई थी पैकेट के अंदर ही, आज निकाली है और अभी सफाई कर रही है मिकू और चियू मिलकर। और हमारे बर्तन भी दिखा दे यार, क्या बर्तन आए हैं जो आज पता चला स्विगी वाले भैया खाने के अलावा बर्तन भी डिलीवर करते हैं, स्विगी वाले थे, जोमेटो वाले थे, हाँ स्विगी वाले, दोस्त है इसलिए देखिए। नहीं 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 ये भी ऑप्शन है, मुझे खुद को आज पता चला, क्या हुआ बच्ची के साथ, दिखा 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 दिखा, आवाज नहीं कर सकती यार। एंड ये बर्तन मिकुड़े ने जो बोले थे, एक बड़ी भगोनी और एक कढ़ाई और एक चमचा, ठीक है ना मिकुड़ी, बस कुकर नहीं आया, कुकर नहीं मिला क्योंकि एक्स्ट्रा कुकर का देख लेंगे अभी, तो वैसे इससे काम चल जाएगा, वैसे अपन कुकर की जरूरत नहीं है ना। तू सो रही थी, तेरे 3-4 पार्सल आ गए भाई, ये आराम से सो रही है, इसके फोन अटेंड कर रहे हैं, पार्सल लेने भाग रहे हैं हम तीनों बच्चे, ला बता तुझे क्या क्या है। देखो मेरा नीम का वो कहाँ है, कंगी, नीम की कंगी, हाँ बता, नीम वुड की कंगी, अच्छा नीम वुड की कंगी, मेरी वुडन कॉम्ब खो गई थी, मतलब एक दिन घर पे रह गई थी, खो गई थी मुझे नहीं पता, मेरे सामान में मुझे मिली नहीं, तो मैंने नई मंगाई है, और ये ना नीम का जो पेड़ होता है उसके उससे बनी हुई है, ब्रांचेस से, व्हाट यू कॉल या ब्रांचेस से, ये बहुत अच्छी है बालों के लिए क्योंकि ऑब्वियसली वुडन कॉम्ब तो अच्छे होते ही, हर पार्सल खोलने में मुझे इतनी एक्साइटमेंट होती है। अरे यार ये ना मीकू और चिया ने मंगवाई है, मुझे भी नहीं पता, इनको कोई रैंडमली इंस्टाग्राम पे एक पेज दिखा, दिस इज फ्रॉम ऑयल ट्रीटेड कच्ची नीम कॉम्ब, वाओ नाइस, वाओ दिस इज सो कूल, कितना प्यारा लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है हाथ में कुछ है ही नहीं, nice. मैंने अभी इससे बाल सजाऊंगी क्योंकि मैंने ना कल या परसों बाल धोए थे, मैंने अभी तक बाल में कंघी नहीं डाली, कितनी ज्यादा आलसी हूं मैं, एक्चुअली नहीं मैं उस दिन डालती हूं, वो पार्सल वाला भी खोल ले, वो तो मम्मी का है, पता है मम्मी को इतनी सुंदर आई है ना, है सच में कि इतना बड़ा पार्सल है, हां कॉस्ट, You don't need to tell the cost, mummy मारेगी।
हाउस ऑफ पतौदी। अरे ये तो उनका ब्रांड है, सैफ अली खान या फिर सोहा अली खान का ब्रांड है। वाओ, मैं अपनी मम्मी के लिए पतौदी खानदान से मिल रही है। ओके, ये हाउस ऑफ पतौदी का ही लग रहा है। wow. ये मुझे लगता है मम्मी की ना छोटी है। नहीं, ये परफेक्ट आएगी मम्मी को। नाइस। ना मम्मी ने बोला था कि मैं गिर गई दो बार, आपने पहले के लॉग देखे होंगे, तो अब मैंने फाइनली मंगवा दी ये उनके घर में पहनने के लिए। okay. अभी सूरज तेरी मम्मी को फोन करके बताती हूँ, मैंने मेरी मम्मी के लिए हाउस ऑफ पतौदी से मंगाई। आंटी आपके लिए भी आनी तो चाहिए, देखो ये देख रहे हो आंटी, हार्ड वर्किंग किड, एलकेजी में पढ़ती है। So I have to tell you, मैंने इससे अभी अभी बाल सुलझाए हैं। मेरे बाल 10 मिनट में सुलझ गए पहली बात तो, और मैंने सूरज को हाथ में एक एक करके जो मेरा बाल टूटा वो मैंने पकड़ाया और मैंने गिना, मेरे सिर्फ 6 बाल टूटे, सिर्फ 6 बाल। मैं कितनी खुश हूँ। और ये बहुत अच्छे से फटाफट से बाल सुलझ गए, एकदम ऐसा लग रहा था बालों में से ग्लाइड हो रहा है, जैसे मेरे बाल उलझे ही नहीं थे जबकि 2 दिन से मैंने बाल नहीं सुलझाए, तो ये बहुत अच्छा था। अगर आप लोगों को खरीदना है तो आई डोंट नो कहां से इन्होंने रैंडम नहीं निकाला था, बट हाँ ये नाम पढ़ लीजिए, आपको अगर मिल जाएगा मैं दिखा देती हूँ अच्छे से, आप देख लीजिए। इस ब्रांड से ही था, इसका नाम है कुछ हैट या नेट हैबिट ऐसे करके कुछ है, एंड ऑयल ट्रीटेड कच्ची नीम को, तो बहुत अच्छा है ये। इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड, हम लोग कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। गैस चमचमाती हुई एकदम साफ हो गई, इसमें मैं देख के बाल भी बना सकता हूँ अपने। अच्छा तो अब कब खाना मिल रहा है मेरे को अच्छा वाला? कल सुबह। कल सुबह? आज नहीं बनाएंगे कुछ भी? नहीं। क्यों? कल सुबह। अरे यार पागल है क्या? तो इसको फिट वगैरह करना पड़ेगा ना। वो तो मैं कर दूंगा अभी, फिर भी कल सुबह। अरे यार कितने नखरे उठाने पड़ते हैं यार, इतने दिन से मेरे को रोज सुनने को मिल रहा था कि भाई बर्तन कहाँ है, गैस कहाँ है, बर्तन कहाँ है, तब बनाऊंगी, गैस कहाँ है तब बनाऊंगी। क्यों नहीं बन रहा है अब? अब करे सो कल कर, कल करे सो कल सुबह कर। कुछ तो बना के खिला देना, वेजीज तो खिला देना। हम तो पॉपकॉर्न खा ली थी, पॉपकॉर्न तो मैं गैस कढ़ाई भगोनी लेके आया हूँ पॉपकॉर्न खाने के लिए। पॉपकॉर्न तो माइक्रोवेव में बनेंगे। माइक्रोवेव में? बिना माइक्रोवेव के बना दूंगी मैं तो। कैसे बनाएगी? अच्छा वो तो वैसे बन जाएगा ना। हाँ एक टू पॉपकॉर्न हो जाएगा ना, इसमें उबलेंगे। हाँ माइक्रोवेव में, उसको साफ कौन करेगा? गिने चुने एक दो बर्तन है उनको भी तो खराब करवा दे। वैसे ओवन खराब करा देगी तो चलेगा, क्योंकि फिर इसका सैंडविच नहीं खाना पड़ेगा। आप देखो, आप मेरे से देखो, आप देखो क्या करती हूं मैं। तो देखें कैसे मीकुड़ी पॉपकॉर्न भी खराब कर सकती है। आप हट जाए, मुझे देखना था। ये 20 रुपीज का पैकेट है सिर्फ, अभी देखना पूरा का पूरा भर जाएगा। और 150 रुपए का पैकेट खाया था कभी मैंने? मैंने पूरी जिंदगी में सिर्फ 2 बार खाया होगा मॉल में 150 पॉपकॉर्न। अरे मॉल में कभी भी है ना पॉपकॉर्न खाने की वो लिस्ट देखते ना तो ऐसा मन करता है भाई इतने में तो मैं ना बहुत बड़ी पार्टी कर लूँगा बाहर जाके। इसलिए हम जब भी मूवी देखने जाते थे ना, हम मॉल के अंदर कुछ भी, मतलब मूवी थिएटर में कुछ भी नहीं खाते थे, बाहर आके मैकडी में पेट भर के खा लेते थे। और अभी न्यूज़ देखी हमने कि फेसबुक और ट्विटर बैन बंद हो रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ सुना मेरे को, एक बार फोन लेकर आया मैं, ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग चल रहा है सब कुछ ये। ऐसा कुछ सुना मैंने कि गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइंस दी थी जो कि फॉलो नहीं कर पाए शायद, वो 3 महीने पहले दी थी, ऐसा कुछ सीन है। मैं तो पहले मजाक समझ रहा था इसको कि मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन सही में जब ट्विटर पे दिखाता हूँ मैं ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। फर्स्ट नंबर ट्रेंडिंग चल रहा है स्टैंड विद ट्विटर इंडिया, सेकंड चल रहा है फेसबुक बैन, और 6th ट्रेंडिंग भी ये चल रहा है ट्विटर एंड फेसबुक, 8th ट्रेंडिंग इंस्टा, भाई इंस्टा को थोड़ी बैन कर रहे हो? हाँ इंस्टा भी चल रहा है, इंस्टा भी चल रहा है, सूत्रों के हवाले बड़ी खबर, फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम पर बैन संभव है। तेरी इंस्टाग्राम यार ऐसे मत करो प्लीज। भाई मेरी जिंदगी निकल गई इंस्टाग्राम पे फॉलोवर बढ़ाते बढ़ाते, मैं रोने लग जाऊंगी, मैं रोने लग जाऊंगी, रो रो रो, रिकॉर्ड करूंगा। चुप रे यार, तू तो कितना पागल है। वैसे वैसे पॉसिबल ही तो नहीं है कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स को एकदम से बैन कर दिया जाए, नहीं होगा बैन, हो सकता है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल जाएगा। ट्विटर बंद कर दोगे, फेसबुक बंद कर दोगे, इंस्टाग्राम बंद कर दोगे, जल गया भी नहीं जला, अरे तो चुप ही रहेगा। मेरे अकॉर्डिंग तो बैन नहीं हो सकता, बाकी आप लोगों को क्या लगता है हो जाएगा क्या बैन? वो जल गए। अरे ये पूरा भरा हुआ कैसे है यार, इतना भरा हुआ है, ये क्या है, ये क्या बना, ये कैसे पॉपकॉर्न बना है जीप से? बर्तन भी गलती बोल दे एक बार, भैया मैं घर पे पता है इतने अच्छे पॉपकॉर्न बनाते हैं, मेरे से मत यहीं पर। अरे भाई कसम, अरे क्या हो रहा है भाई, अरे भाई रे क्या कर रही है यार, हमारे घर का राशन ऐसे जला जला के खत्म कर देगी। मैं अच्छे तो दूर रख, मेरे फोड़ के आ रहे हैं अभी अपने, ऐसी बदबू आ रही है भगवान क्या बताऊं आपको। मेरी गलती दो चीज
कभी इसके हाथ की नहीं खानी है सैंडविच, दूसरा पॉपकॉर्न। मैंने कहा था माइक्रोवेव में बना लो, को सुनता ही नहीं है। ये है खाना की है। जिनकी बात सुन लेते तो अच्छा होता। अगर ऐसे खाने बनाएगी ना, उन्होंने पता है ये गैस और बर्तन किस लिए साहिल भाई ने क्यों भिजवाए हैं, कि अपन अच्छा अच्छा खाना बनाए और व्लॉग में दिखाए। ऐसा खाना बनाएगी ना तो वो ये बर्तन तो लेके जाएंगे कल के कल ही, और केस और ठोक भी देंगे। केस और ठोक देंगे। क्या कर रहे तू? अच्छी सी गलती हो गई। क्या कर रहे सूरज? कुछ नहीं, वीडियो बना रहा था। अरे मत बना, अब कोई फायदा वायदा नहीं है। अच्छा हां, मैं तो भूल ही गया। अब कुछ नहीं हो सकता, जा चुकी है वो, जा चुकी है। अरे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, इंस्टाग्राम कहीं नहीं जाएगा यार। वर्कआउट डन, और यहाँ आती मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देखकर। मेरी वेजीज बन रही है, ये सुखाने के लिए रखी हुई है, इसमें पानी है अभी तो ये ठंडी की हवा से सूख रही है। और इधर मशरूम काटे जा रहे हैं, इधर हमारी कैप्सिकम। इन सब में मुझे सबसे अच्छा लगता है मशरूम और ब्रोकली। अच्छा मैंने ना कल 11/11 पे विश मांगी थी, मन में मांगी थी, और मैंने बोला था सबको कि गैस करना कि मैंने क्या मांगा होगा। तो कमेंट्स पता है सबसे ज़्यादा क्या आ रहे हैं? 2 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए मैंने एक और है कमेंट, तूने शायद नोटिस नहीं किया। क्या आपने ये मांगा कि ये पंजे? अच्छा बता तो सही, तूने क्या मांगा? मैंने मांगा था कि ये जो दुनियादारी में भसड़ चल रही है ये बंद हो जाए। I told you। यही मांगा मैंने तो अभी यार, ये सब सही हो जाए ताकि हम ना घूमने जाएं फटाफट से। वैसे मैक्सिमम लोगों का पता है क्या है कमेंट, कि 2 मिलियन के लिए विश मांगी है। हाँ। 2 मिलियन और 10 मिलियन की। पहली चीज मेरे दिमाग में वही आई थी, पर दूसरी चीज मेरे दिमाग में आ गई जो उसने मांगा। कमेंट है, क्या कमेंट है भैया? जितनी शरीफ चीयू दीदी है ना। हाँ आगे भैया, जितनी शरीफ चीयू दीदी है उतने शैतान आप तीनों। एक बार घर में आओ, एक बार घर में आओ, ये शरीफ है। कच्चा चिट्ठा खोलूं मैं, ये देख लो 1%। अरे बाबू पागल हो गए, तुम ऐसे नहीं बोलते। ओ हां, मेरे वो कौन बनाएगा स्वेचंस? अरे खाली ना वेजीज। अरे बस इंसान खाना नहीं खाए, वेजीज तीन जनों ने खाई है, इतनी इतनी सी खाने में आई है। मेरे को नहीं पता, तेरी सैंडविच की बुराई जिंदगी भर करता रहूंगा ब्लॉग के अंदर। तो यहाँ से चली भी जाएगी ना तो भी नहीं, सैंडविच की बुराई कंटिन्यू रहेगी हमेशा जिंदगी भर। हमें नई कुड़ी की जरूरत है जो खाना बना सके अच्छा सा। बिना लूडो के तो दिन कंप्लीट नहीं होता, जब तक मैं एक दो काटी तेरी मारना तो मुझे मजा नहीं आता। हम लूडो खेलते ना तो मेरा टारगेट ये होती है, इसका टारगेट मैं होता है, और हमारे लड़ाई में दोनों जीत जाते हैं। अंकल देखो बर्फ खा रही है। मैंने कब खाई? मैंने नहीं खाई। बर्फ खा रही है इसने, मेरे जैसे कैमरा चालू कर रहा है। चुप इतनी बड़ी बर्फ एक सेकंड में पिघल गई। खा रही थी मैंने, तेरी तो देखो ना, इतने में मैंने कैमरा घुमा के ऑन करने लगा, इतने में तूने गाड़ी पे करी। अंकल बर्फ खा रही है, बर्फ खा रही है, बर्फ खा रही है, इसकी पिटाई ऊंची पिटाई ऊंची पिटाई ऊंची पिटाई ऊंची। अंकल ठीक है, सब मैं बना लूंगा। अच्छा आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल, बाय।